बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेटा शो और हाइट वर्ड और एक्सेल में किस तरह से किया जाता है, ये आज की वीडियो में हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी डेटा आ रहा है। अगर कोई आपके साथ इस तरह करता है कि आपका डेटा यहाँ पर हुआ हुआ है लेकिन एकदम क्लियर हो जाए, तो आप उसको किस तरह समझेंगे? कंट्रोल वन, ठीक है जी। और यहाँ से पहले ऑल सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल वन या फिर नंबर फॉर्मेट में यहाँ से जाएंगे कस्टम, और यहाँ से जर्नल में जाकर तीन दफ़ा आप सेमी कॉलन लगा के ओके कर दें। अब यहाँ डेटा देखें, फार्मूला बार में तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेल में विजिबल नहीं है। अगर कोई इस तरह के साथ आप के साथ कर देता है तो आप फिर दोबारा इसमें कस्टम में जाके इसको जर्नल क्लिक करके ओके कर दें तो वापस डाटा आपका आ जाता है। लेकिन ऑल सिलेक्ट करके फिर आप जाएंगे और फिर इस पर जर्नल क्लिक करके ओके करेंगे, ठीक है जी। सिलेक्शन लाजमी बनेगी। यही काम अगर एमएस वर्ड में होता है, आपने कोई काम किया हुआ है यहाँ पे और डॉक्यूमेंट के अंदर से सारा काम आपका विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो फिर इस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, और यहाँ नंबर सेटिंग ऑप्शन होता है होम के अंदर फॉन्ट, इसके अंदर यहाँ हिडन पे चेक लगा के ओके कर दें तो ये हाइड हो जाता है। और अगर इस तरह आपके साथ कोई करता है, करंट वर्कबुक जो सेव होती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम की जगह उसका सेव नाम आ रहा होता है और उसकी वजह से काम आपका अगर डिलीट हुआ हुआ है तो हो सकता है कि हाइड हुआ हुआ, तो आप कंट्रोल ए करेंगे वापस लाने के लिए, कंट्रोल डी करेंगे फॉन्ट सेटिंग ऑप्शन में जाने के लिए, और यहाँ पर हिडन पे चेक अगर लगा हुआ होगा तो इसको आप अनचेक करके ओके कर देंगे। तो ये इशू अगर आपके सामने आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इन फ्यूचर में हो सकता है आपके सामने आ जाए तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये वीडियो इसी जानकारी के लिए थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एक चीज और जाते जाते देख लें, लास्ट टाइम हम इस तरह कभी कोई काम शेप में या डॉक्यूमेंट्स में कर रहे होते हैं टाइपिंग, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ शो नहीं हो रहा होता। तो ये चीज आपकी लास्ट टाइम फॉन्ट पेपर हमारा ब्लैक वाइट होता है तो यहाँ पे फॉन्ट भी हमारे पास वाइट सिलेक्ट हुआ हुआ होता है, तो इसमें इस तरह की मिस्टेक भी आ जाती है हमारे पास, ठीक है जी। अगर राइटिंग स्पेस का मसला होगा तो राइट क्लिक से हम सेट कर सकते हैं इसको। सेम यही प्रॉब्लम एक्सेल में भी हो सकती है कि फॉन्ट अगर आपने चेंज किया हुआ है या वाइट कर दिया है तो उसमें लिखते हुए कुछ शो नहीं हो रहा, तो सेमी कॉलन वाला ऑप्शन या ये वाइट फॉन्ट कलर वाला ऑप्शन दोनों आप चेक करेंगे फिर उसको सही करेंगे, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।